आज के वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि इस वर्ष 19 मार्च 2020 को पड़ रही है, लेकिन वैष्णव जो लोग हैं वो 20 तारीख को मनाएंगे। ये मैं आपको पंचांग के अनुसार बता रही हूँ, जैसा कि पंचांग में वर्णित किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ पाप मोचनी एकादशी की कथा में क्या है। इस कथा में च्यवन ऋषि के जो पुत्र थे मेधावी, उनकी एक कथा है कि वो तपस्या कर रहे थे एक वन में, और वहाँ पर एक अप्सरा आई जिसका नाम मंजू घोषा था। कामदेव भी इस प्रयास में थे कि वो ऐसा कुछ करें कि ऋषि अपनी तपस्या नहीं कर पाए, मेधावी ऋषि अपनी तपस्या नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपना प्रभाव मंजू घोषा जो अप्सरा थी उस पर छोड़ दिया, और उसके प्रभाव से ऋषि उस पर मोहित हो गए। मोहित होकर वो अपनी तपस्या तो भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मंजू घोषा जो अप्सरा थी उसने ऋषि से आज्ञा मांगी कि अब मैं वापस स्वर्ग को जाऊंगी। तब ऋषि ने बोला कि अभी तो तुम्हें आए थोड़ा ही समय हुआ है और रुक जाओ। ऐसे कर करके थोड़ा टाइम बीतता गया, फिर ऋषि उनको रोकते गए। एक दिन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषि, हे महामुनि, आपकी रात तो कभी आएगी ही नहीं, मतलब वो टाइम कभी आएगा ही नहीं जब आप मुझे आज्ञा देंगे जाने की। तब ऋषि को भान हुआ अपना कि वो क्या कर रहे थे और क्या करने लग गए, और इस बात पे फिर वो कुपित हो गए और उस अप्सरा को श्राप दिया उन्होंने कि तू पिशाचनी बन जाएगी। ऐसा करके वो अप्सरा घबराने लगी और उसने ऋषि से क्षमा मांगी और ऋषि से कहा कि हे प्रभु, हे महामुनि, इस पाप से बचने का कोई रास्ता बताइए। तब ऋषि ने उनको कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और अप्सरा ने ऐसा ही किया, उसने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से वो पिशाचनी के श्राप से मुक्त होकर वापस सुंदर अप्सरा बन गई। तब ऋषि को भी एहसास हुआ, मेधावी ऋषि को भी एहसास हुआ कि उनसे भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। तब वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उनसे कहा कि हे पिताश्री, मुझसे ये अपराध हो गया है, मैं क्या करूं। तब उनके पिता ने भी उनको इसी व्रत को करने को कहा। तब ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वयं भी किया और उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।